हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित राव। तो नए ब्लॉग में है आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, क्योंकि गांव में आजकल बहुत ज़्यादा सब्जी वगैरह लगी हुई है। कद्दू, लौकी, गुदली हो गई, जिनको हम श्राद्ध में सब्जी बनाई थी, जिनके हमने गुदली की सब्जी और काफ़ी चीज़ें लगी हुई है। तो आज हमारे गाँव से आने वाला है सामान, और उसमें पार्सल में पता नहीं क्या क्या होगा, कौन कौन सी सब्जी होगी, कोई फल फ्रूट भी लगे हैं गाँव में, अमरूद वगैरह। तो देखते हैं क्या क्या आता है। और अभी मैं जा रहा हूँ, तो स्कूटी में जाऊंगा और मोटो ब्लॉगिंग भी आज स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट मोटो ब्लॉग भी आज आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो टाइम हो गया है 11:30 बजे, और हमारे यहाँ से बस आती है 6:30-7 बजे करीब, थापला से कोटद्वार के लिए। तो 12 बजे तक पहुँच जाएगी। तो भाई लोगों, निकल चुके हैं अपने ध्रुवपुर की गलियों से, और ये सीन है सामान का कि गांव से जो बस आ रही है उसका नंबर जो है खाली, कोई रिश्तेदार वगैरह कोई नहीं आ रहा है जो कि सामान ला सके। और बस काफ़ी टाइम से बंद थी हमारे यहाँ थापला से कोटद्वार के लिए, तो अब जाके चालू हो गई है कुछ टाइम से, और उसमें सामान दिया है। गाड़ी का नंबर बताया है बस का रोहन ने घर से, और तब हम उस बस का नंबर चेक करेंगे और वहाँ से अपना पार्सल जो है पिक करेंगे, और शायद वो पैसे मांगे हमसे। तो देखते हैं कितने पैसे लेते हैं गाँव से जो सामान आ रहा है उसके। आजकल काफ़ी तेज़ी से धूप लग रही है 2-4 दिन से, क्योंकि बरसात बंद हो गई, बारिश चल रही थी लगातार 1-2 हफ्ते से, और अब तो देखो मौसम एकदम चकाचक हो गया, धूप खिली हुई है। अभी निकल चुका हूँ सिपुर चौराहे से, और यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है मुझे, अगर मैं ऐसे एंगल को ऊपर कर रहा हूँ तो मेरे को देखने में थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर हो रही है, और फिर आप लोगों को एंगल नहीं दिखाई देगा, तो ऐसे करके मुझे नीचे देखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, गड्ढे वगैरह। अगर गोप्रो होता, कैमरा वगैरह होता, तो वो छोटा रहता है, उसमें देखने की भी दिक्कत नहीं होती और एंगल भी सही आता है। तो फ़ोन थोड़ा बड़ा रहता है ना, तो उसमें देखने की भी दिक्कत है थोड़ा। और ये नीचे के लिए जो रोड जा रही है यहाँ से मोटा नगर, शॉर्ट रास्ता, और हम चलेंगे सीधे कैंटीन के रास्ते से। ये रोड थोड़ा पतली है यार, ये कैंटीन वाली, तो इसमें काफ़ी दिक्कत होती है, कभी तो ट्रैफिक लग जाता है। अगर एक टैक्सी इधर से जा रही है, एक टैक्सी उधर से आ रही, तो दिक्कत हो सकती है, पता नहीं। बारीक है रोड, ये आपको कैंटीन दिखेगा इधर के लिए, अगर आप आओगे तो इधर के लिए कैंटीन है, और एक पुल है इसका छोटा। इसके नीचे बहुत पानी बढ़ जाता है, जब अगर आधा घंटा भी बारिश होना कोटद्वार में लगातार, तो इतना पानी बढ़ जाता है, फिर इधर पानी भर जाता है इधर के लिए कैंटीन में भी। एक टाइम पर तो यहाँ पर पूरा भर गया था, मिट्टी वगैरह सब। बहुत धूल उड़ रही यार भाई, और इस रोड की तो क्या ही बात करूँ मैं, कैंटीन के आगे से ये रोड तो कभी बन नहीं सकती सही से, जब भी बनती है फिर 2-4 दिन में वही हाल हो जाते हैं इसके। गैरेज पहुंच गए हैं, गैरेज के सामने ये जहाँ से हम ऑटो पकड़ते हैं ध्रुवपुर के लिए, 20 रुपये सवारी। चलो कम से कम साइड तो दिया इस भाई ने, चलते हैं झंडा चौक में सीधे। हाँ, भीड़ असली यहीं पे दिखती है झंडा चौक में, चौराहे पे। नीचे के लिए जाना है ना बस अड्डे के लिए, और मुझे वेट करना है उस बस का जीएमओ वाले बस अड्डे में, और अजीत ने मेरे को व्हाट्सएप पे बस का नंबर भेजा है, तो वहाँ पे वेट करना पड़ेगा, जब वो बस आएगी सामान लेके फिर चलेंगे घर के लिए वापस। गाड़ी के लिए जगह मिल जाएगी कहीं पे? पुलिस चौकी है, कहीं यहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए मना ना कर दे, थोड़ा सा अंदर के लिए है लगा रखी मैंने, और शायद अभी बस नहीं आई होगी। मैं नंबर चेक करता हूँ, फिर देखता हूँ आ गई कि नहीं, और फिर अपना सामान देते हैं। जीएमओ बस अड्डे के अंदर जाता हूँ मैं, और वहाँ पता करता हूँ 7908 यानी कि 7908 की बस आ गई कि नहीं। सेंधर वाली बस आ गई क्या? सेंधर वाली बस आ गई? अभी मुझे भैया जी मिल गए हैं जिनकी गाड़ी में ये सामान था आया हुआ,
और उनके साथ जा रहे हैं। थोड़ा लेट हो गया था हमें, तो जहाँ बस खड़ी की उन्होंने वहाँ जा रहे हैं। बस से आते जा रही, बहुत ट्रैफिक है। और टाइम भी पड़े जरूरत लिए सामान उन्हें गंजाम रहा। हर बार तो आप 100 रुपये ले जाला, कम थे ले दिया करे कभी। 270 रुपये किराया। हाँ पता नहीं मिलते 270। अभी हम स्टेडियम की तरफ ही जा रहे हैं भाई, तो यहीं पे रहते हो काशीरामपुर के थोड़ा ऊपर, और यह है गाड़ी, तो यहीं पे है सामान। और 100 रुपये लिए भाई उन्होंने। चलो ठीक है, बोल रहे बस 270 रुपये किराया है थापला से यहाँ तक, तो 100 रुपये तो बनते हैं भाई। ये क्या बात हो गई यार, वैसे तो आपको फ्री लाना चाहिए। पहले भी मंगाता था मैं, तो कई बार फ्री सामान भी मंगाया है मैंने। बहुत भरा हुआ भाई इसमें सामान, खुल जाएगा रे, पहले इसको बांधना पड़ेगा सही से। चलो ये अटक तो गया है और नीचे नहीं जा रहा है, क्या पता चलते चलते नीचे चला जाए। इस एक्टिवा पे बीच में वो भी है ना, तो चलो भाई बस मोड़ने में दिक्कत ना हो। चलो भाई सामान भी मिल गया, थोड़ा बहुत दिक्कत तो हुई लेकिन चलते हैं और देखते हैं अब क्या क्या है इस थैले में और क्या पार्सल आ रखा है। आजकल बहुत चीज़ें होती है गांव में, सब्जी ककड़ी वगैरह मुंगरी, और अब की बार हमने खाए भी नहीं गाँव की मुंगरी, तो देखते हैं इसमें होगी। दाढ़ी की मांग थी कि अमरूद वगैरह भेज देना, और बच्चे वैसे भी चोर के ले जाते हैं गांव में, चोरी वगैरह बहुत होती है ऐसे ही। वैसे मोटर ब्लॉगिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है भाई। आवाज़ वगैरह सही आ रही होगी इसमें शायद, पहले भी मैंने इसको सेट कर दिया था, पहले से ही आवाज़ वगैरह का प्रॉब्लम मैंने फिक्स कर दिया था, और आवाज़ क्लियर आ रही होगी अच्छी सी। भीड़ बहुत रहती है कोरदार में गाड़ियों की, शाम के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रहती है, अभी तो कम ही है, तो शाम के टाइम पे और अधिक रहती है। ओ भाई भाई बुलेट है तो कहीं भी मोड़ोगे। वाह, एक बात तो है इन इक्विपमेंटों में जो मैंने मोटर ब्लॉगिंग सेटअप के लिए मंगाए हैं मोबाइल के लिए, इसमें क्या है कि मैंने ऑफ रोडिंग भी कर ली, गड्ढे बहुत हैं इधर रोड में, तो मैंने वहाँ पर जाके भी देख लिया, और ये हिल नहीं रहा है, मतलब कि ये नीचे नहीं गिर रहा है फ़ोन, मतलब सिक्योर है फ़ोन आपका, सेफ रहेगा गांव में, मतलब काम आ सकता है ये गांव के गड्ढों में, तो अच्छी बात है यार ये। अगर एक गांव में होते जंगली सुअर तो हम इनको भगाते रहते है ना। आजकल बहुत बढ़ गया है सुअरों का खतरा गांव में, सारी फसलें नष्ट कर दे रहे हैं सुअर गाँव में भाई, ऐसे हो रहे है, बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी जो आजकल मुंगरी वगैरह होती है उनको बचाना, और बंदरों से ककड़ी वगैरह बचाना बहुत मुश्किल भाई। आ गया सामान, और ऐसे अटका रखा था मैंने इसको, देखते हैं इसमें क्या है। खोल लीजिए। पहुंच तो गए हैं घर, और देखते हैं बाल देखो कैसे हो गए यार, हेलमेट पहन पहन के। और दादी ने इसको खोल दिया है, दादी से रहा नहीं गया, दादी के दो दो दिमाग थे, दादी ने पहले बोला चाची को लेगी और फिर दादी को रहा नहीं गया। और अब हम इसको खोलने वाले हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। दाल है घरेलू, और ये है अमरूद जो दादी ने मंगाए हैं स्पेशली, ये देखो प्योर लौकी, और ये कद्दू, ये देखो। अब हम इसको ऐसे बांध देते हैं और बाद में चाची खोलेगी फिर कानूनो भाई बोर्ड साहब को। ये बाकी चीज़ें तो सही है लेकिन अमरूद अभी कच्चे हैं, दादी ने जल्दबाजी करती बहुत मंगाने में, बोलती रहती दादी कि सामान दो, और पहुंच गए अब तो बहुत कच्चे हैं। अभी इनको खा के कोई फ़ायदा तो नहीं है लेकिन खा ही रहे तब भी हम तो। बस उस थैले में यही था, लौकी थी और अमरूद थे, दाल थी और कद्दू थे, तो इस सामान के लिए हमें 100 रुपये देने पड़े, अपना पेट्रोल भी खर्च करना पड़ा, उससे अच्छा तो हम यहीं से खरीद लेते, लेकिन गांव में प्योर
मिलता है, काफ़ी मस्त होता है, स्वाद भी उनका काफ़ी ज़बरदस्त होता है। तो आज के इस ब्लॉग में खाली इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो ऐसे और भी ब्लॉग के लिए पहाड़ी भाई यूट्यूब चैनल को क्या करना, नीचे सब्सक्राइब बटन होगा सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।